अगर लोगों को पता चल जाए कि रमज़ान में क्या है तो वो आरज़ू करें कि पूरा साल ही रमज़ान रहे। इतनी बरकतें और इतनी रहमतें अल्लाह ने इस मुबारक महीने के दामन में डाल दी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि ऐ ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए थे। क्यों फ़र्ज़ किए गए, वजह क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेज़गार बन जाओ। तो रोज़े की फ़र्ज़ियत का नतीजा तकवे का हासिल होना है, इत्तेका की दौलत का नसीब होना है। तो इस आयते करीमा में तीन चीज़ें बयान की गई। सबसे पहली, ऐ ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। फिर दूसरी बात, जिस तरह तुम्हारे से पहलों पे फ़र्ज़ किए गए। और तीसरी बात, ताकि तुम्हें तकवे का नूर नसीब हो, तुम्हें इत्तेका की दौलत नसीब हो। तो एक तो रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म दिया गया, और दूसरा ये तसल्ली दी गई कि ये भूख और प्यास की शिद्दत तुम्हें ही नहीं काटना पड़ेगी, तुमसे कबल भी लोग ये इबादत करते रहे हैं और वो इस मुश्किल इबादत से तकवे को हासिल करते रहे हैं, और तुम्हें भी हम उस रास्ते से तकवा नसीब करना चाहते हैं। अल्लामा हक्की अलैह रहमा ने लिखा है कि मलिक तहमूरस सालिस, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से तीसरा बादशाह गुज़रा है, उसके ज़माने में काहत पड़ गया था, तो उसने अपनी कौम को ये हुक्म दिया कि एक वक्त का खाना आप खा लें और एक वक्त का खाना बचाएं और वो काहत ज़दा इलाकों में भेजें। तो कौम ने उस हुक्म को बसर व चश्म कबूल किया और एक वक्त का फाका काट के अपने उन भाइयों के लिए वो खाना भेजते जो काहत में मुब्तला थे। कौम की ये अदा अल्लाह को पसंद आ गई और वक्त के नबी पर वही की गई कि तुम्हारे इस अमल को हम इबादत करार देते हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मुत्तसिल ही ये इबादत फ़र्ज़ की गई, और फिर जितनी भी मिल्लतें कौमें और उम्मतें आईं उनमें रोज़े की तहसीन की गई और रोज़े की तलकीन की गई। रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया कि तुम्हें तकवा नसीब हो जाए, इत्तेका की दौलत नसीब हो। अब सवाल यह है, क्या तकवा भूख और प्यास से हासिल होता है? प्यास काटने से, भूख काटने से क्या तकवा नसीब हो जाता है? सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रखने की तलकीन की गई। यहाँ नार्वे में और मुख्तलिफ मुमालिक के अंदर 20-20 घंटे का रोज़ा है, और हमारे भी यहाँ 16-17 घंटे मुसलसल शिद्दत की गर्मी में भूख और प्यास काटना होती है। तो इतना तवील दौरानिया जो भूख और प्यास काटी है, इसका मकसद रिस्क बचाना नहीं है, बल्कि वह युजाद फी है रिस्कुल मोमिन, माह सियाम में मोमिन का रिस्क बढ़ जाता है। आप अपना बजट देख लीजिए, बाकी महीनों की नस्बत माह सियाम में आपके अखराजात ज़्यादा होते हैं और कुशादगी होती है। तो ये कोई खुराक बचाओ मुहिम नहीं है, बल्कि रिस्क तो बढ़ जाता है, लेकिन इसके बावजूद 20-20 घंटे, 17-17, 18-18 घंटे प्यास और भूख काटना, इसका कोई मकसद है तो वो मकसद कुरान ने बयान किया कि इसके नतीजे में तुम्हें इत्तेका की दौलत मिलेगी, तुम्हें तकवे का नूर नसीब।